ऋषभ पंत को लेकर चौंकाने वाली आई खबर, खबर को जान ऋषभ पंत के फैंस जाएंगे चौक। क्या ऋषभ पंत मैदान में नहीं कर पाएंगे वापसी? क्या ऋषभ के फैंस अब उन्हें नहीं देख पाएंगे क्रिकेट खेलते? क्या ऋषभ की हालत में नहीं हो रहा सुधार? क्या ऋषभ ने क्रिकेट को लेकर जो सजाए थे सपने, अब हो जाएंगे सब बेकार? अब आईपीएल और बॉर्डर गावस्कर में कौन लेगा ऋषभ की जगह? डेविड वार्नर होंगे आईपीएल के कप्तान या बॉर्डर गावस्कर में केएस भरत बनेंगे विकेट कीपर? अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के फैन हैं, तो हम आपके लिए जरूरी खबर लेकर आए हैं। ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा अपडेट दिया है। ऋषभ पंत की हालत में सुधार आई है या नहीं, ऋषभ पंत अब मैदान पर लौट पाएंगे या फिर फैंस को करना पड़ेगा और इंतजार? क्या ऋषभ पंत अब आगे आईपीएल और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? अगर नहीं तो उनकी जगह कौन लेगा? आइए देखते हैं ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई द्वारा दी गई खास जानकारी पर आधारित इस रिपोर्ट में। दरअसल 30 दिसंबर की सुबह पंत का एक्सीडेंट हो गया था। इस सड़क हादसे में पंत के माथे पर दो कट लगे, उनके दाहिने घुटने में लिंगामेंट फट गया और साथ ही उनकी दाहिनी कलाई, टखने, पैर के अंगूठे और पीठ पर चोटें आईं। 25 वर्षीय पंत को शुरू में मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती किया गया था। 4 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की कि पंत को सर्जरी और आगे के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून के मुंबई लाया जाएगा। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती पंत का 6 जनवरी को घुटने के लिंगामेंट टियर की सर्जरी हुई। सर्जरी के चौथे दिन मंगलवार को कुछ देर के लिए ऋषभ बिस्तर से उठे। वह बिस्तर से उठ गए और किसी के सहयोग के साथ कुछ सेकंड के लिए खड़े होकर रहे। उन्हें आगे भी किसी की मदद के साथ चलने के लिए तैयार किया जाएगा। बीसीसीआई ने ऋषभ को लेकर आगे अपडेट देते हुए कहा कि इस दौरान ऋषभ सभी से हंसते बोलते नजर आए, उन्होंने सभी से अच्छे से बात किया। फिलहाल वह एक और सप्ताह के लिए अस्पताल में ही रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ऋषभ आगे आईपीएल और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल पाएंगे? बीसीसीआई द्वारा जारी ताजा खबर यह है कि क्रिकेटर को पूरी तरह से ठीक होने और मैदान पर लौटने में 6 माह तक का समय लग सकता है। मतलब यह कि ऋषभ पंत इस साल का आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, साथ ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके स्थान पर टीम इंडिया में किसे शामिल किया जाएगा और आईपीएल में उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली की टीम का कप्तान कौन होगा? आईपीएल 2023 मार्च में शुरू होने जा रहा है और मई में समाप्त होना है। पंत के आईपीएल 2023 में न खेलने से दिल्ली कैपिटल्स को नए कप्तान की तलाश करनी पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई डेविड वार्नर फ्रेंचाइजी के लिए पहली पसंद हो सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 9 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें 4 टेस्ट खेले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक केएस भरत और ईशान किशन को ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए चयन किया गया है।